हरियाणा में फिरौती मांगने के मामले थम नहीं रहे हैं। पहले विधायकों को फोन पर धमकी और अब हांसी में हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी संचालक सुनील जैन से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती मांगने वाले ने अपने आप को लॉरेंस ग्रुप का सदस्य बताते हुए फिरौती के रुपए बैंक खाते में जमा कराने की बात कही है। फिरौती मांगने वाले व्यक्ति ने रुपए जमा ना कराने पर जान से मारने और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। वहीं धमकी मिलने के बाद सुनील जैन ने शहर के व्यापारियों के साथ मिलकर एसपी हांसी निकिता गहलोत को शिकायत दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में सुनील जैन ने कहा कि उसके मोबाइल पर सुबह 6:06 पर एक मैसेज आया जिसमें सुनील हीरो शोरूम लिखा था। सुनील ने बताया कि जब मैंने पूछा आप कौन हो तो मैसेज करने वाले ने कहा कि आई एम विकी बराड फ्रॉम कनाडा। आरोपी ने सुनील को लिखा कि ज्यादा होशियार मत बनना, तेरी सारी कुंडली है हमारे पास, ठोक देंगे। अगर पैसे देने का मन ना करे तो आज शोरूम पर मत जाना क्योंकि हम ना बोलने वाले की गेम बजा देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एजेंसी खुली है मोटरसाइकिल की, आज इनके व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पहला व्हाट्सएप 6:06 पे आया और बाद में 12:21 पर आया और इसकी शिकायत को पुलिस को कर दी गई है। डीएसपी एडिशनल एसएचओ सिक्योरिटी वगैरह अपना अधिकारी यहाँ पर आए हैं और कंप्लेंट लेकर के चले गए हैं और हंगामी कार्रवाई के लिए जैसा भी जो बनाएगा वो कर। 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल भी आया है, जिस समय व्हाट्सएप कॉल आया उस समय पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और फिरौती मांगने वाले ने कोई स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया है। उस अकाउंट नंबर का की डिटेल भी हमने हमारे द्वारा सुनील जैन के द्वारा जो है पुलिस को प्रोवाइड करवा दी है। अब आगामी कार्रवाई पुलिस ने करनी है। मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते सुनील जैन को पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि या तो पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी तो हांसी के व्यापारियों को रोक करके जैसे संघर्ष की रेखा में रोक करेगी। फिरौती मांगने वाले शख्स का जब आखिरी मैसेज आया तो उस वक्त पुलिस अधिकारी उसके शोरूम पर मौजूद थे। मैसेज करने वाले व्यक्ति ने सुबह 6:00 से 11:30 तक करीब 25 से ज्यादा मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। व्यापारी नेता प्रवीण तायल ने इस मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि एजेंसी संचालक सुनील की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। आज एक फिरौती का मामला आया है और कंप्लीमेंट सुनील जैन ने कंप्लेंट दी है कि उनके बेटे के फोन नंबर पे एक व्हाट्सएप कॉल आई है, 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अगर 5 लाख रुपए की फिरौती नहीं दिए, पैसे तो देख लेने की धमकी दी है, तो उनकी कंप्लेंट पे, सुनील जैन की कंप्लेंट पे हमने FIR दर्ज कर दी है। उनको सेक्शन 385-506 के मुकदमा दर्ज कर दिया है और हमारे साइबर की मदद से साइबर टीम को हमने वो चैट जो थी वो भेज दी है। जैसे ही उनका कुछ आपकी सुराग लगेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जिसने ये फिरौती मांगी उसने अपने आप को कोई गैंग या कहीं किसी चीज़ का सदस्य बताया था? नहीं, उन्होंने नाम बताया है, वो नाम कोई ज़रूरी नहीं है। फिरौती मांगने वाला नाम तो कोई भी ले सकता है, बट अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसी के नाम हो। तो सारा साइबर एक बार साइबर टीम देखेगी कि किस एड्रेस से कॉल आई है, किस नंबर से कॉल आई है, उसका IP एड्रेस वगैरह निकाल के जो भी आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ के लिए कहा है, लेकिन अगर समय रहते बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे व्यापारियों की मीटिंग बुलाकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।